तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीएसपी टेक्निकल में, जिसमें साथियों आज मैं आपको एक और टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी देने वाला हूं। साथियों ये हमारे पास कुछ इस तरह का देखिए मोबाइल फोन आया है एमआई का साथियों, जो कि आप मेरे हाथ में देख भी पा रहे हो। साथियों इसमें प्रॉब्लम ये है, हम चार्जिंग इस पर लगा रहे हैं, देखो लगी हुई है और यहाँ पर ये चार्जिंग का सिग्नल भी दे रहा है, मगर साथियों इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। तो साथियों आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन समाधान करें। तो साथी वीडियो में हमारे साथ बने रहें, चलते हैं साथी वीडियो में आगे। तो साथी इसको ओपन करने से पहले हम इसकी सिम ट्रे निकाल लेते हैं। ये देखिए साथी दो सिम ट्रे हैं, एक मेमोरी ट्रे है साथी, मेमोरी कह सकते हैं साथी, सिम ही लगे सिम ट्रे भी कह सकते हैं। दो इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं बहुत ही सावधानी के साथ, और इसका साथियों इस पर साथ में मैं वीडियो इस तरह की वीडियो में बनाता रहता हूँ। साथियों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए, सभी मित्रों के लिए, सभी दोस्तों के लिए, YouTube फैमिली के लिए साथियों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये देखिए साथियों हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को ओपन कर दिया, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। अब साथी सिंपल इसका जो हमने बैक कवर इसको हम ओपन कर लेते हैं, स्पीकर बॉक्स भी कह सकते हैं साथी इसको, और स्पीकर ट्रे वगैरह इस तरह से साथी इसका नाम मार्केट में प्रचलित है। तो साथियों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर खोलते समय साथी इसका सावधानी बरतनी है, ज़्यादा इसके साथ दबाव ना पड़े साथियों, जिससे कि हमारे फ़ोन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर साथियों मैं इसको पूरे को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर साथी ये देखिए हमने इसका सिम बॉक्स सिम ट्रे निकाल दी है, वो सॉरी स्पीकर बॉक्स ये रहा साथी। और साथी यहाँ पर ये हमारा चार्जिंग ट्रे आपको यहाँ पर चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगी, चार्जिंग प्लेट। साथी यहाँ पर हम इस बोर्ड को आराम से निकाल लेते हैं, ये साथी चार्जिंग बोर्ड हमारा जो है बाकी साथियों इसका जो जैक है वो ख़राब हो चुका है। ये देखिए साथियों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से सावधानी से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल लिया साथियों। अब यहाँ से साथियों ये देखिए ये जो जैक है वो हिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि साथियों आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो साथियों यहाँ पर हमें करना ये है सिंपली साथियों, ये जैक मुझे सही लग रहा है मगर मैं फिर भी साथियों यहाँ इसकी जगह न्यू जैक डाल देता हूँ, क्योंकि साथियों इसके अंदर मुझे थोड़े कार्बन टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है जो साथियों वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो साथियों यहाँ पर मैं न्यू जैक यहाँ पर इसके अंदर डालने वाला हूँ। चलो साथियों सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं यहाँ से। साथ ही ये काम बहुत ही सावधानी के साथ आपको यहाँ पर करना है, और इसको उतारने के लिए मैं आयरन का इस्तेमाल करने वाला हूँ साथियों। आज और वीडियो में साथियों आपने देखा होगा मैं कैंडल लाइट यानी कि मोमबत्ती की सहायता से जैक को उतार लेता हूँ, मैं चाहूँ तो साथियों यहाँ पर भी इसे मोमबत्ती की मदद से एकदम उतार के दूसरा लगा सकता हूँ जल्दी से, मगर साथियों अभी हमारा आयरन थोड़ा हीट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो साथियों मुझे लगता है ये मुझे कैंडल लाइट से ही उतारना पड़ेगा। तो साथियों मैं सबसे पहले कैंडल लाइट को जला लेता हूँ। चलो ये देखिए साथियों यहाँ पर मैंने कैंडल लाइट यानी कि मोमबत्ती को जला लिया है। अब सिंपली हमें सिम ट्रे के ऊपर इस तरीके से रखनी है साथियों। ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा
हानिकारक है, यानी कि साथियों इसमें आपके बोर्ड को डैमेज कर सकती है। तो साथियों अपने रिस्क पे कृपया करके इस काम को करें, अन्यथा इसको रहने दें। आप आयरन से या फिर हीट गन की सहायता से साथियों ये काम कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं इसको देखिए कैंडल लाइट की मदद से उतार रहा हूँ। साथियों बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसमें बोर्ड के जलने की या फिर डैमेज होने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। तो सिंपली साथियों ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर मैंने इसको उतार दिया है, यानी कि रिमूव कर दिया है। आप भी साथ ही इस ट्रिक को सावधानी के साथ कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है साथियों। अब सिंपली साथ ही यहाँ पर हमें दूसरा जैक लगा लेना है। इससे पहले साथियों मैं इसके जो प्रिंट है उसको साफ कर लेता हूँ, अच्छे से वॉश कर लेता हूँ, थोड़ा इसको पहले मैं सोल्डिंग करके क्लीन कर लेता हूँ। साथियों हमारा आयरन शुरू हो चुका है। देखिए साथियों इनको मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया है, जैसे कि आप साथियों वीडियो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर साथियों मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, अच्छा धो लेता हूँ, ताकि साथियों हमारा जो प्रिंट है वो क्लीन हो जाए और अच्छे से हमें यहाँ पर दिखने लगे। और साथियों इसमें कोई वायरिंग की ऐड होने की, यानी कि आपस में जुड़ने की कोई प्रॉब्लम न हो। तो ये देखिए साथियों यहाँ पर हमारे जो प्रिंट पर काफ़ी धूल मिट्टी से लगी है, इसको मैं यहाँ पर अच्छे से साफ कर लेता हूँ। साथियों ये देखिए साथियों काफ़ी हद तक यहाँ पर जमी हुई है। तो फाइनली साथियों ये देखिए जो हमारा चार्जिंग बोर्ड है, चार्जिंग की जो जगह है यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब सिंपली साथियों यहाँ पर हमें दूसरा चार्जिंग जैक लगा लेना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह का जैक होगा हमारा, जो इसमें हम लगाने वाले हैं साथियों। साथी ये जो जैक है हमारा चार्जिंग, ये देखिए साथी यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ ये देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप साथी मेरे हाथ में देख भी पा रहे हो। साथी ये मार्केट में आपको 5 से 10 रुपए के बीच की रेंज का साथियों आपको एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन्स का चार्जिंग जैक प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा किसी भी मोबाइल स्टोर से, होल सेल स्टोर से। तो साथियों आप इसको ला करके आसानी से अपने घर पर ही रिप्लेस या रिमूव ऐड कर सकते हो, यदि आपका चार्जिंग जैक ख़राब हो चुका है तो। मगर साथियों ये ट्रिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा मैंने पहले ही आपको इन्वॉल्व किया हुआ है, तो साथ ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी कि आपका साथी चार्जिंग बोर्ड इसमें डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो साथियों इस ट्रिक को कृपया करके अपने रिस्क पर ही करें। अगर साथियों आप, मैं आपसे वादा करता हूँ आप इसको सावधानी के साथ करोगे तो साथियों आपके जो बोर्ड में है चार्जिंग बोर्ड में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि साथियों मैंने यहाँ पर इसको देखिए चार्जिंग मोमबत्ती से उतारा है, यहाँ पर किसी भी तरह का मुझे कोई भी इंटरफेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कि मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसको रिमूव किया हुआ है। अब बात करते हैं साथियों इसको लगाने के लिए। तो सिंपली साथियों यहाँ पर मैं इसको आपको फिर से कैंडल लाइट की सहायता से साथियों यहाँ पर लगा कर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए साथियों हमारा जो चार्जिंग जैक है कनेक्टर को इस शेप में आपको रख लेना है बहुत ही सावधानी से। साथियों जो इसकी शेप दी गई है नीचे कटिंग वाली, जहाँ पर साथियों जो इसके खांचे दिए गए हैं, जो टांगे दिए गए हैं, सेम उसी होल के
अनुमान अनुसार होल के बिल्कुल बीचों बीच रखनी है। रखने के बाद सिंपली साथियों आपको करना यह है कि आपको अपनी कैंडललाइट मोमबत्ती को जला लेना है। मैं यहाँ पर साथियों आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं फिर से कैंडललाइट को जला रहा हूँ। ये देखिए कैंडललाइट को मैंने यहाँ पर जला लिया है। और ये देखिए साथियों जो शेप मैंने आपको बताई थी सेम उसी शेप में मैंने यहाँ पर चार्जिंग बोर्ड को साथियों रखा हुआ है। अब सिंपली साथियों इस शेप में हमें चार्जिंग बोर्ड को कुछ इस स्थिति से रखना है कि साथियों इस पर ज़्यादा आँच ना लगे और ज़्यादा हल्की भी न रहे, यानी कि साथियों आपके उंगली के आपके हाथ पर जब नीचे से लो लगेगी आग की तो आपको अनुमान हो जाएगा कि साथियों हमारे जो बोर्ड पर कितनी आँच लग रही है कितनी नहीं लग रही है, उसी हिसाब से साथियों आपको यहाँ पर ही लगाना है। उसके बाद साथियों चिमटी की किसी नुकीली सहायता की मदद से इसको हल्का सा नीचे पुश कर देना है। पुश करने के बाद साथियों आपका जो चार्जिंग जैक है वो लग करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए साथियों यहाँ पर हमारा चार्जिंग जैक लग करके रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार आराम से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो साथियों ये देखिए यहाँ पर हमारा चार्जिंग जैक साथियों लग चुका है। तो साथियों यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ हमारा जो चार्जिंग जैक है साथियों वो बहुत ही अच्छे से लग चुका है बिना आयरन और बिना हीट गन की सहायता के। मैंने साथियों आपसे कहा था कि मैं बिना कैंडल लाइट के इसको लगाने वाला हूँ, मगर नहीं साथियों मैंने आपको फिर से क्योंकि हमारा आयरन साथियों हीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैंने साथियों आपको फिर से कैंडल लाइट की मदद से लगा करके यहाँ पर दिखा दिया है, जिसकी साथियों क्वालिटी देखते ही बनती है। लगता है जैसे साथियों कंपनी से ही फ्रेश होकर के ये चार्जिंग बोर्ड हमारे हाथ में आया हुआ है। तो साथियों जल्दी से हम इसकी चार्जिंग को चेक कर लेते हैं लगा करके। साथियों मैं इसको बोर्ड में आपको लगा करके इसकी चार्जिंग चेक करा देता हूँ। तो फाइनली साथियों ये देखिए जो हमारे फ़ोन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। हमने साथियों यहाँ पर इसको चार्जिंग लगा दी और साथियों सेम उसी मेथड से जो आपको हमने बताया हुआ था। ये देखिए साथियों 1% यहाँ पर अभी साथियों पीछे 0 थी अभी 1% हो चुकी है। साथियों हमारा फ़ोन चार्जिंग होना शुरू हो चुका है। तो आई होप के साथियों आज की वीडियो आपको बहुत